congratulations for soon, ma. Chitrangada, आप इतनी बारिश में ऐसे झेलते हुए सब कुछ, you know, सब आप पहुंची हैं. And I'm sure it's the reason Surma. और Surma एक ऐसी फिल्म है जिस पर proud फील करना बनता है. मेरी संदीप सिंह से बात हो रही थी, मेरी शाद से बात हुई, मैंने इंद्रजीत के साथ बातें की. एंड फाइनली आई एम सो लकी कि मेरी आपसे बात हो रही है. सुनिए, ये कॉन्सेप्ट किसका है कि संदीप सिंह की लाइफ पर बनाई जाए सुनवा? मैं एक्चुअली संदीप सिंह को मिली थी 2014 में एक मेरे फ्रेंड के साथ. ही वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. एंड मैं जानती थी कि उन्होंने मतलब इंडिया कैप्टन है वो संदीप. मुझे कुछ नहीं पता था कि उनके साथ लाइफ में क्या हुआ है. सो उसी दौरान मैं कुछ कहानियाँ लिख रही थी. आई वॉज राइटिंग माई सेल्फ. सो देन व्हेन आई मेट हिम आई स्टार्टेड रिबल स्टोरी. या इतनी ड्रामेटिक स्टोरी रियल लाइफ में मिल ही नहीं सकती. फिक्शन में हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकती है, यू नो. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड कि ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और मैं प्रोड्यूस करूंगी और जिससे कि सही तरह से बने, यू नो, सो दैट वी डोंट ड्रामेटाइज इट, कमर्शियलाइज इट, पेंट करके, यू नो, इट डजंट बिकम समथिंग एल्स. एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू संदीप एक्चुअली कि ये मैं ज़रूर एक बहुत ही सच्चे ढंग से ये फिल्म बनेगी. आई मेक अ प्रॉमिस टू यू. सो अब इतना टाइम लग गया है आज खड़े होके आपसे बात करने के लिए. दैट इज टेकिंग दैट मच टाइम फॉर अस टू मेक इट. या एब्सोल्युटली, जितने भी लोगों के नाम मैंने लिए वो सबसे सारी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि बड़ी ईमानदारी से ये फिल्म हमने बनाई है. एंड टॉकिंग अबाउट Surma, आई थिंक इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, राइट? आई मीन, व्हेन इज द राइट पर्सन. एंड इफ आई लाइक आस्क यू कि ऑन स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ऑन स्क्रीन कौन सा इमोशन जीना आपके लिए इजी और कौन सा मुश्किल? अगेन आई थिंक जो रियल लाइफ में होता है वो उस पर भी होता है कि टू एक्ट लाइक यूर इन लव विद समबडी इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. खुशियों का लंच बॉक्स है Surma, जो फिल्म आपकी भी खुशी है. 13th of July जरूर जाइएगा इसे देखने के लिए. बाकी अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है सो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच Chitrangada. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर लिटिल लंच बॉक्स. Who's talking? Alexander, yes. चित्रंगा, इतनी बारिश है तो भी आप अपनी पिक्चर की प्रमोशन के लिए आए, इससे मालूम पड़ता है कि कितने करीब है आप Surma आपके लिए. बहुत ज़्यादा करीब है. और अब इतने साल अगर हमने मेहनत करी है तो आज की बारिश का तो खैर कोई वो नहीं है. लेकिन थैंक यू कि आप सब यहाँ पर आए. एंड बहुत ज़्यादा बारिश है आई नो, लेकिन 13th July को Surma रिलीज़ हो रही है और एक बहुत ही मेहनत से और प्यार से हमने ऑलमोस्ट हमको 2.5 साल लगे हैं मुझे कि मैं आज यहाँ बैठकर Surma की बात कर रही हूँ. सो आई थिंक होपफुली लोगों को पसंद आएगी. फिर 2.5 साल की मेहनत और सिर्फ 2 दिन बाकी. यस, सॉरी, डेट भी एकदम चुना है, 13 जुलाई. 13th and 13th, मतलब फ्राइडे द 13th. इट्स थोड़ा सा कुछ ऐसे बहुत सारी कोइंसिडेंसेस लग रहे हैं लेकिन एक सच्ची कहानी है. एक तरह से जो रियल लाइफ में जो हमारे हीरोज़ हैं उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं. संदीप सिंह एक रियल लाइफ हीरो हैं. तो आज तक क्या होता है कि हम जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उनकी होती है हीरोज़ की, जो फिक्शनल है, जो लिखा जाता है. लेकिन ये सच में एक लाइफ, इसने एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ जी है कि आदमी को गोली लगती है और फिर वो वापस खड़ा होकर इंडिया का कैप्टन बनता है. सो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी. सो I hope everybody you likes also, you also can come with like we are know like a Bollywood define as item songs or dramatic or romantic. Is there any movie se bhi aap aa sakte the? Why you choose like a biopic of this sports person? Biopic isliye choose kari actually jab maine kahani suni तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी मैंने आज तक शायद इतनी ड्रामेटिक कहानी मैंने रियल लाइफ में नहीं सुनी है. और वो भी अगर हम एक कंपेटिटिव स्पोर्ट की बात करें, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करें, इस लेवल पे कि आप नेशनल टीम के कैप्टन बनते हैं और फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन द वर्ल्ड बनते हैं, जबकि कि आपको कुछ साल पहले आप पैरालाइज थे, आप कोमा में थे, तो ये जो कमबैक है ये इतना स्ट्रांग था कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बैठ के सोचती भी ये कहानी मैं खुद लिख सकती थी. और ये सच्ची में एक आदमी को हुई है, उसने जी है ये ज़िंदगी. सो आई थॉट कि ये कहानी बहुत ज़रूरी कहानी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल. एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने ये इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर Surma है. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. यस, प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल काम है. एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स.
क्योंकि सब लोगों को जोड़ना और सही लोगों को जोड़ना साथ में और उतना ही पैशन ढाई साल तक कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है. बट आई थिंक जब चीज़ें ठीक तरह से हो जाती हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है. सो आई होप लोगों को पसंद आए, जिससे कि ये जो जर्नी थी ढाई साल की, ये हम सबको लगे कि कुछ ना कुछ कहीं यू नो कामयाब हुए हैं. सो आगे चल के भी आप इसी तरह के बायोपिक हो या हम देखते हैं अक्षय कुमार जिस तरह की पिक्चर जी जी भक्ति वाली, उस तरह की स्क्रिप्ट भी आप सोच रही हैं कि बिल्कुल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें, पीपल वॉन्ट टू सी ट्रू स्टोरीज, वी वॉन्ट टू नो द ट्रूथ. यू नो ऐसा कुछ एक ट्रेंड है कि चाहे वो पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, वी वॉन्ट टू नो वॉट द ट्रूथ इज. सो जब कहानियाँ सच्ची होती हैं, अपनी होती हैं, तो पीपल रिलेट टू इट मोर. सो ऐसी कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं. सो यस, डेफिनेटली. एंड यू राइट, आई थिंक अक्षय हैज़ डन सम वेरी अमेजिंग फिल्म इन द पास्ट, यू नो, वेरी गुड चॉइसिस. सो या, आई होप सो. दैट क्या होता है, कभी कभी कहानी आपको चुनती है, इट्स द अदर वे अराउंड, यू नो, यू हैव टू बी लकी इनफ. सो आई होप आई एम लकी इनफ, लेट्स सी. कम्फर्टेबल तो बहुत छोटी बात है. आई थिंक मिस्टर संजय दत्त के बारे में जितना मतलब हम सुनते हैं, और ही इज़ लार्जर देन लाइफ एक जो उनका पर्सोना है, पर उनके साथ काम करके इतना कम्फर्टेबल लगा, इट फेल्ट लाइक होम लिटरली. वो इतने सिंपल एंड इतने हाउ डू यू से बहुत ही मॉडेस्ट एंड हम्बल हैं. ग्रेट ह्यूमन बींग, यू नो, टू बी विद. इतना केयरिंग एंड जेन्युइनली केयरिंग, यानी कि ऐसे मतलब दिखाने के लिए या पोलाइटली कुछ कर दिया थोड़ा बहुत. ही जेन्युइनली केयर्स फॉर पीपल दैट ही वर्क्स विद, यू नो. ही सच अ गुड पर्सन, सच अ गुड मैन. या थोड़ा सा बीच में हुआ था, यस, लिटिल बिट ऑफ खींचातानी हो रही थी. लेकिन मेरे पार्टनर हैं दीपक सिंह, बिजनेस पार्टनर, एंड सोनी पिक्चर्स हैव बीन ऑन बोर्ड विद अस फ्रॉम डे वन. तो मतलब बहुत बहुत बड़ा एक थैंक यू टू सोनी फिल्म्स कि दे केम ऑन बोर्ड एंड दे हैंडल्ड एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली. या पर वो आई मीन वही बात कर रहे थे, मिस्टर संजय दत्त वाज सेइंग दैट बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एंड ही वाज प्रेजिंग रणबीर. सो वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही इज, ही इज अमेजिंग. आई हैव टू से दैट. थोड़ी सी बिगनिंग में मुश्किल थोड़ा हुआ था, क्योंकि एक तो उस समय बायोपिक्स काफ़ी बन रही थी, तो एक वही होता है कि एक और बायोपिक एक और स्पोर्ट्स के ऊपर, वो भी हॉकी के ऊपर. अच्छा, हम संदीप सिंह को तो कोई जानता नहीं है, तो वो थोड़े से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई थी इन द एंड पहली बार आई वाज प्रोड्यूसिंग. तो थोड़ा वो होता है कि अच्छा आप तो एक्ट्रेस हैं अब आप, सो दे, बट दैट्स ओके. आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना होता है अपने आप को, एंड इफ़ द स्टोरी इज़ गुड इनफ देन यू नो. बट जी हम एक महीना पहले आ रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म एक रियल स्टोरी है. आई थिंक गोल्ड इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो वो ड्रामेटाइज्ड है थोड़ी सी, लेकिन अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट है. सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिल्म टू वॉच. यस, यू नो, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो हमको चाहिए था वो दिलजीत से था, और तापसी से भी, कि वो हॉकी सीखे, यू नो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक क्रिकेट कि सबने खेला होता है. सो दिलजीत ने कभी हॉकी शायद पकड़ी भी नहीं थी, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने करी है, संदीप के साथ उन्होंने एक महीना ट्रेनिंग करी, वेट लॉस करना था जब रिहैब में जाते हैं, फिर वेट गेन करना था. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड आई थिंक डेडिकेशन दैट वी वॉन्टेड, जिससे कि वो सच्ची लगे कहानी. एंड इवन तापसी ट्रेंड, यू नो, सो दैट दे गेव अस कम्प्लीटली. सो उससे बहुत बहुत हेल्प होती है टू द फिल्म एंड हाउ इट्स लुकिंग नाउ. सो या, मैंने एक लिखी है, एक लव स्टोरी है और एक थ्रिलर है, दो हैं. सो दोनों अभी एक्चुअली एक लॉक्ड है कम्प्लीटली विद डायलॉग्स, दूसरे पे थोड़ा काम है. सो लेट्स सी, आई डोंट नो, लाइक गॉड विलिंग, नो, सो नाउ आई विल स्टार्ट सेटिंग इट अप एंड
hopefully sit here and talk to you people very soon about that. Yeah, very excited. So, like Irfan and now Sonali has been suffering from cancer. Like, for your words, what do you want to say? I know जब मुझे सोनाली के बारे में पता चला it's I don't know मतलब कोई क्या कहे बस ऐसा ही लगता है कि suddenly आपको लगता है कि यार आप इतना भाग दौड़ रहे हैं इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन everything is about ऐसे ही like everything can